अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नहीं है फाइन फीलिंग वेल एनी गुड और बेड न्यूज नथिंग न्यू ओके। आज हम कुछ वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन कब किस तरह होती है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड चे है। चे की आवाज़ जब टी हमें चे की आवाज़ कब देता है, जब भी टी और उसके फौरन बाद यू आ जाए तो ये क्या हो जाता है, टी की आवाज छे में बदल जाती है। टी यू किस चीज की आवाज देगा, छे की। एग्जांपल मैं लिख के देता हूं, फ्यूचर, ये क्या हुआ फ्यूचर, इसको क्या बोलते हैं फ्यूचर। क्यों फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे टी और यू आया है, टी के फौरन बाद यू आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फ्यूचर। लेकिन ये याद रखना है कि ये वर्ड के दरमियान में हो, शुरू में ना हो। टी और यू क्या है, वर्ड्स के दरमियान में आ जाए। एक और लफ्ज है जो है, ये क्या होगा आप लोग मुझे बता दें, ये क्या होगा, कैप्चर। क्या होगा, कैप्चर। कैप्चर का मतलब, कैप्चर का मतलब क्या होगा, कैप्चर मतलब खींचना। अब यहां पे टी और यू आया है तो ये क्या हो गया, कैप्चर। एक और लफ्ज है मैं लिखता हूं, क्या है ये, नेचर। ये नेचर नहीं है, ये नेचर है, क्योंकि टी के फौरन बाद यू आया है और ये वर्ड्स के दरमियान में है, देख रहे हो। यस सर। और एक ये है, ये क्या होगा, ये ट्विटर है, ये यहां पे क्यों चे की आवाज नहीं दे रहा, क्योंकि टी और यू जो है वो वर्ड के शुरू में आया है तो ये अपनी आवाज पूरी देगा, ये ट्यूटर होगा, ये ट्यूटर नहीं है, ये नेचर और ये ट्यूटर। समझ आ गया है, yes, जिसको समझ नहीं आया तो पूछ ले। yes, sir।